सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है क्रिश्चन, टेक्निकल के एक यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल तीनों कंपनियों ने मिलकर अपने सभी यूजर्स के ऊपर ऐसी कंडीशन लगा दी है जिसमें कि हर एक यूजर को हर महीने अपने नंबर पर रिचार्ज कराना जरूरी हो गया, वरना कंपनी आपके नंबर की आउटगोइंग कॉल साथ ही 45 दिनों तक के लिए आपके नंबर की इनकमिंग कॉल बंद कर देगी, जो कि एक टेम्परेली प्रोसेस होगा। ऐसी कंडीशन में बहुत सारे यूजर ऐसा जानना चाहते हैं कि अगर हम सभी यूजर्स मिलकर ट्राई को इसकी कंप्लेंट करें तो हो सकता है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स ऐसी कंडीशन अपने ऊपर से हटा लेंगे। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप एक चीज जान लीजिए, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल पहले तो आपस में कंपटीशन करती थी, पूरी तरह से इनका जियो से कंपटीशन हो चुका है। अगर आज के दिन आप इनकी कंप्लेंट करते भी हो तो अब मैं पहले तो आपको एक चीज बता दूं, ये कंडीशन जो दी है, इसका कंडीशन देने का रीजन तो टोटली यही है कि कंपटीशन के चक्कर में ये एवरेज रेवेन्यू नहीं कमा पा रही है, क्योंकि आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल के पास दो तरह के कस्टमर होते हैं। अब दोस्तों दूसरी बात इसमें यह है कि अगर आप कंप्लेंट कर भी देते हो तो मान लीजिए आपने कंप्लेंट कर दी, बहुत सारे यूजर ने मिलकर ट्राई को कि ऐसी कंडीशन लगा रखी है, तो मैं आपको बता दूं कि ट्राई इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं तो जियो मान लीजिए आपको 399 में आपको 3 महीने तक अनलिमिटेड कॉलिंग डाटा देता है। अगर वो अपने प्राइस बढ़ा देता है, मान लीजिए 399 की जगह अगर 800 रुपये का कर देता है, या फिर आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल भी अगर मान लीजिए 400 रुपये का जो प्लान है वो अगर 800 का कर देती है, प्लान सभी कंपनियां मिलकर अगर बढ़ा भी देती है तो भी कुछ नहीं कर सकती ट्राई, क्योंकि जियो ने जब स्टार्टिंग में फ्री दी थी आपको तब भी ट्राई कुछ नहीं कर सकती, तो आज भी कुछ नहीं कर सकती हैं। हालांकि ट्राई के बहुत सारे ऐसे रूल हैं जो इनको फॉलो करने होते हैं, हालांकि पर एक ऐसी कंडीशन भी है कि आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल कभी भी अपने कस्टमर को रोक नहीं सकती। अगर आपको आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल के प्लान अच्छे नहीं लगते या फिर किसी भी कंपनी के प्लान अच्छे नहीं लगते तो वो MNP प्रोसेस में दखलअंदाजी नहीं दे सकती है, आप अपने नंबर को पोर्ट करा सकते हो। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों। मान लीजिए अगर आज के दिन आपको पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपये का मिलता है, सडनली वो अगर प्राइस बढ़ा देती है अपने, तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आपको बिस्कुट वो खाना है तो आप ले लीजिए, वरना बहुत सारे हैं बिस्किट, आप उनमें से कोई ले सकते हो। आपको मैं बता दूं कि ये अगर एवरेज रेवेन्यू नहीं कमा पाएंगे तो बहुत कम टिक पाएंगी, और बहुत कम टिक पाएंगी तो अपनी गवर्नमेंट को नुकसान है, क्योंकि एक टेलीकॉम ऑपरेटर कम हो जाएगा और गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पे पैसा और कमाएगा। अगर ये आपसे पैसा अच्छा खासा कमाएंगी, मान लीजिए प्लान ये बहुत ज़्यादा बढ़ा भी देते हैं, मैं आपको बता दूँ कि 1995 के अंदर मतलब कि उस टाइम के आसपास में 24 रुपये 1 मिनट की कॉल रेट लगती थी, 18 रुपये तो उसके लगते थे जो कॉल करता था, और 6 रुपये मिनट के उसके लगते थे जो कॉल अटेंड करता था। 18 रुपये और 6 रुपये 24 रुपये 1 मिनट के लगते थे। अगर मान लीजिए आज के दिन ही आपको बहुत महंगी कॉल भी दे देते हैं सभी कंपनियां मिलके, तो भी ट्राई कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई भी एक कंपनी सडनली ऐसा कोई एक्शन ले लेती है, कस्टमर परेशान हो जाते हैं, 3 महीने के बाद वो MNP प्रोसेस कर पाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में कंप्लेंट करने पर ट्राई आपकी मदद कर सकती है। MNP प्रोसेस का जो 3 महीने का टाइम पीरियड है उसको कम कर सकती है मजबूरी में, पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कंपनी के पास। बेसिकली ट्राई ने ऐसी कंडीशन इन पर कोई नहीं लगाई है कि ये कस्टमर भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, हालांकि ये किसी भी कस्टमर को रोक नहीं सकते हैं। जो भी कस्टमर जाना चाहे दूसरी कंपनी में जा सकता है, जिसको जिसके प्लान अच्छे लगते हैं वो ले सकता है, 3 महीने का MNP प्रोसेस है वो यूज़ कर सकता है, पर ट्राई आपकी कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि ट्राई को तो इसमें बेनिफिट खुद है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू मिलेगा तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट को भी टैक्स के तौर पर उनसे पैसा मिलेगा। अब दोस्तों ये है इस वीडियो में नॉलेज जो आपको मैंने शेयर कर दी है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मैं बैठे कर जय हिंद।